अब यार जैसा कि आप लोगों को पता है सीएस रैंक का न्यू रैंक सीजन आया है। बात तो सही है। एंड आप लोग ढूंढ रहे होंगे बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन सीएस के अंदर के लिए। सही पकड़े हैं। तो मैं आप लोगों को बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन इस बेसिस पे दे सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने अभी ग्रैंड मास्टर लगा लिया है सीएस के अंदर। तो भाई कैसे लगाया मैंने वो तो आप लोग मेरी एपिसोड वाली वीडियो के अंदर देख ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा मैं जो अपना बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा अब तक का, ठीक है, क्योंकि तात्सुया जो है हमारा वीक कर दिया गया है। अब जो है आप लोगों को बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन मैं अपनी तरफ से शेयर करने वाला हूँ कि अभी जो है बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन कौन कौन से होने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड के अंदर आपको जो है दो बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, करेक्टर कॉम्बिनेशन ही जस्ट करेक्टर बताऊंगा जिनको आप लोग यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको यूज करके नहीं दिखाऊंगा, जिससे आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे के सारे करेक्टर कॉम्बिनेशन आप अपनी खुद की स्क्वाड के साथ खेल सकते हो या फिर अपने जो है रैंडम प्लेयर के साथ भी जो है रैंक पुशिंग करके ये वाली करेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग अपना रैंक पुश कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। होपफुली यार आप लोगों को ना आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, इसलिए यार वीडियो को ना लाइक कर दो। एंड वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो चलो एंड अपने करेक्टर कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स गेन करने हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, इस वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जाके ना आपको अपनी एक फेक आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली ना आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते के साथ ही ना यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड फॉलोअर्स का। सेंड फॉलोअर्स में जाने के बाद अपनी ओरिजिनल आईडी डाल देना है। यहाँ पे अपनी ओरिजिनल आईडी डाल रहा हूँ ओशान गेमिंग। यहाँ पे जो हम उसको फाइंड करेंगे एंड फाइंड करने के बाद आते के साथ यहाँ पे जो है हम अपना अमाउंट लगा देते हैं। मैं 150 यूनिट्स लगा रहा हूँ एंड 150 फॉलोअर्स मेरे इजिली गेन हो जाएंगे 120 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके मिल जाएगा। फटाफट से जाओ अपने फॉलोअर्स गेन करने स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आपको मैं लाइव प्रूफ भी देख सकता हूँ, ये मेरी आईडी है और यहाँ पे जो है फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के सामने। एक मिनट पहले फटाफट से लोड हो जाए यार, एक्चुअली में ना मेरा नेट काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे फॉलोअर्स भी गेन होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ट स्किल फॉर असॉल्टिंग इन सीएस रैंक। भाई अगर आप लोग बहुत ज्यादा रश खेल के खेलते हो, ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं टिक के बैठा जाता है या आप लोग कैंपिंग वगैरह नहीं कर पाते हो, आप मेरी तरह आप बहुत ज्यादा असॉल्टिंग करते हो, बहुत ज्यादा रश करना प्रेफर करते हो, ठीक है, तो आप लोग अभी भी जो है तात्सुया करेक्टर का यूज करो, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों को करेक्टर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले आपको करेक्टर के अंदर लगाना है अपना तात्सुया, ठीक है, अपनी एक्टिव स्किल के अंदर तात्सुया करेक्टर का यूज करना है, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया है, लेकिन आज के टाइम पे भी ये बेस्ट करेक्टर है रश करने के लिए, सच्ची बता रहा हूं, सबसे बेस्ट करेक्टर है अभी भी, ठीक है। भले इसके दो डैशेस हो और ये फ्लाइंग में भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी यार ये बहुत ही तगड़ा करेक्टर है, ठीक है। उसके अलावा आपको उसके अंदर लगाना है अपना अलवारो। अलवारो जो है हमारा एक ऐसा करेक्टर है जो कि हर एक करेक्टर कॉम्बिनेशन अंदर लगेगा सीएस के अंदर, क्योंकि अलवारो से ना आप लोग जब नेड फेंकोगे तो वो तीन नेड के अंदर डिवाइडेड हो जाएंगे और एक्स्ट्रा एक्सप्लोजन का डैमेज देंगे, तो इसलिए अलवारो बहुत ही ज्यादा तगड़ा करेक्टर है। एंड उसके बाद आपको लगाना है लूना करेक्टर। लूना क्या करेगी ना, आपकी गन की रेट ऑफ फायर बढ़ा देगी, जिससे कि आप लोग जब बंदों को डैमेज होगे तो उनकी गोली जो निकलेगी ना वो बहुत ज्यादा तेज निकलेगी और आपकी भी मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर देगी लूना। एंड करेक्टर स्किल के अंदर जो है आपको रखना है अपना पैसिव के अंदर एंटोनियो। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है अगर आप लोग तात्सुया का यूज कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, आपको 30 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट दे देगा, जिससे कि आप लोग जब रश कर रहे होगे तात्सुया की मदद से तो ये ना आपकी एक्स्ट्रा एचपी रखेगा, जिससे कि आपको ना ज्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा। 30 शील्ड पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप लोग एंटोनियो करेक्टर का जरूर यूज करना। और अब मैं आप लोगों को बताऊं पेट के अंदर आपको क्या रखना है। पेट के अंदर आपको हमेशा जब आप तात्सुया करेक्टर यूज करो आपको रॉकी पेट यूज करना है, ठीक है, रॉकी पेट का जरूर यूज करना यार, क्योंकि ना वो आपके ना जल्दी से चार्ज कर देगा अपना तात्सुया को, क्योंकि वैसे ही तीन की डैशेज हैं तो उसको वो जो है ना जल्दी से, सॉरी दो की डैशेज हैं उनको जल्दी से जल्दी चार्ज कर देगा। तो ये मैंने आपको सबसे पहला करेक्टर कॉम्बिनेशन बता दिया बेस्ट असॉल्टिंग के अंदर सीएस के अंदर। अब जो है मैं आपको सेकंड करेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा तगड़ी हुई है, वो है गाइस बेस्ट स्किल फॉर कवर फायर एंड रशिंग इन सीएस रैंक, ठीक है। क्योंकि यार क्या होता है ना, हमको जो है ना कभी कभार कवर भी देना पड़ता है अपने रैंडम प्लेयर्स को या फिर अपने टीममेट्स को और रश भी करना पड़ता है, उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आपको अपने एक्टिव स्किल के अंदर लगाना है क्रोनो करेक्टर। क्रोनो ना अपना 60 पॉइंट्स का हो गया है, ठीक है, मतलब अब ना वो भाई बहुत ही जल्दी चार्ज हो रहा है, तो आप लोग क्रोनो करेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। भाई बहुत ही ज्यादा ओवर पावर करेक्टर कर दिया गया है क्रोनो को, सीएस रैंक के अंदर आप लोग जरूर यूज करो, ठीक है। उसके अलावा वही अपने अलवारो करेक्टर जो कि यार आपको जल्दी से तीन नेड फेंकने की हेल्प देगा और एक्स्ट्रा एक्सप्लोजन में डैमेज देगा। अब जो है हमारा थर्ड करेक्टर आता है पैसिव स्किल के अंदर लियोन करेक्टर, जो कि आपको जब आप कॉम्बैट फाइट ले रहे होगे तब आप लोग थोड़ा सा ना कवर के अंदर आओगे तो आपको 60 का एचपी प्रोवाइड करेगा लियोन करेक्टर। फाइट करते करते अगर आप लोग थोड़ा सा बच जाओगे या फिर ग्लोबल के अंदर पैक करके आपको थोड़ी देर होल्ड करोगे तो 60 का एक्स्ट्रा एचपी देगा, इसलिए लियोन करेक्टर बहुत ही ज्यादा तगड़ा करेक्टर है। उसके अलावा आपको जो है यूज करनी है कैली। अब भाई कैली करेक्टर मैं क्यों यूज करने को कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब आप लोग क्रोनो को यूज करोगे ना आपकी वैसी यार मूवमेंट स्पीड हो ही नहीं पाएगी, इसलिए ना आप लोग कैली का करेक्टर का जरूर यूज करना। पेट के अंदर जो है आप लोग अपना वही यूज कर सकते हो रॉकी पेट,
ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी चार्ज कर देगा क्रोनो को, जिससे कि आपकी हेल्प मिल जाएगी। तो ये था सबसे बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन, आपको कवर देने के अंदर भी हेल्प करेगा और रश करने के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब मैंने आप लोगों को ना दो करेक्टर कॉम्बिनेशन बता दिए जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। अब मैं आपको ना थर्ड करेक्टर कॉम्बिनेशन बताने के लिए जा रहा हूँ। थर्ड करेक्टर हमारा बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, जो कि है बेस्ट एवर स्किल इन सीएस रैंक आफ्टर OB43 अपडेट। भाई OB43 अपडेट के बाद इस करेक्टर कॉम्बिनेशन को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल बना दिया है। प्लीज मेरे बोलने पर एक बार ये करेक्टर कॉम्बिनेशन जरूर यूज करके देखना, वो भी खास करके सीएस रैंक के अंदर। मेरा पर्सनल फेवरेट करेक्टर बन चुका है यार आज के टाइम पे, मतलब इसी रीजन था, यही रीजन था मेरा सीएस रैंक के अंदर जो है अपना ग्रैंड मास्टर लगाने का। ठीक है, अब आपको जो है ना एक्टिव स्किल के अंदर अपना यूज करना है वू कॉन्ग करेक्टर। भाई आपने बिल्कुल सही सुना, वू कॉन्ग करेक्टर को आपको एक्टिव स्किल के अंदर यूज करना है, और ये मतलब लिटरली बहुत ही ज्यादा जल्दी चार्ज हो रहा है। एंड भाई बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करेक्टर है, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ा करेक्टर है, एक बार ही बोलने पे मेरे यूज करो। सेकंड पैसिव करेक्टर के अंदर आपको यूज करना है अपना अल्वारो करेक्टर। अल्वारो क्या करेगा, वो यार अपना 3 नेड फेंकेगा और एक्स्ट्रा एक्सप्लोजन के अंदर डैमेज देगा। थर्ड करेक्टर जो है अपना पैसिव के अंदर आपको यूज करना है वो की है मूको। अब मूको क्या करेगी ना, जब आप लोग अल्वारो का यूज करके किसी बंदों को डैमेज दोगे तो उन बंदों को ना मार्क कर देगा, बहुत ज्यादा डैमेज, मतलब डैमेज भी देगा प्लस वो भी करेगी मार्क कर देगी, जैसे कि ना आप लोग उन बंदों के ऊपर रश मार सकते हो और मतलब जाके देख सकते हो कि भाई बंदे है कहाँ पर। अब अगर आप लोगों के पास इलीट मूको है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो उसको इलीट मूको के अंदर कन्वर्ट कर लो जस्ट मूको के साथ गेम खेल खेल के। ठीक है, फोर्थ करेक्टर के अंदर आपको लगाना है हयातो, जो कि जब आपकी कम एचपी होगी और आपके पास वेस्ट होगी तो उसको ना एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी दे देगा, जिससे कि ना बंदों को ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को हयातो करेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस करेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि वुकोंग क्या करेगा, वो हमेशा बुश बन जाएगा। बुश बनते के साथ ही ना आप लोग किसी भी बंदों को, भाई मैंने क्लच निकाल रखे हैं, 1v4 निकाल रखा है जस्ट मैंने वुकोंग की हेल्प से, सीरियसली बता रहा हूँ। यही रीजन था मेरा ग्रैंड मास्टर लगाने का सीएस रैंक के अंदर, क्योंकि भाई वुकोंग को बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर पावर बना दिया है। अब ये तीनों के तीनों करेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने खुद पर्सनली यूज करे हैं, लेकिन अब जो मैं आपको दो करेक्टर बताने वाला हूँ वो मैंने पर्सनली यूज नहीं करे हैं, लेकिन मैंने बहुत से सीएस रैंक प्लेयर्स को उन करेक्टर को यूज करते हुए देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ना वो करेक्टर भी बता देता हूँ, क्योंकि भाई वो करेक्टर भी आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करेक्टर है। ठीक है, उन करेक्टर्स को भी एक बार यूज करके देखो, बाकी आप लोग मुझे कॉमेंट कर बताना कि आप वो करेक्टर कैसे वर्क कर रहे हैं, मतलब ज्यादा मुझे उनके बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स को उनको यूज करते हुए देखा है। अपनी स्क्वाड के साथ खेलते हैं वो बात अलग है, लेकिन रैंडम प्लेयर के साथ मैंने आपको बता दिया कि आप तीनों के तीनों करेक्टर यूज कर सकते हो। दो करेक्टर जो बता रहा हूँ वो आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ यूज नहीं कर सकते, अपनी स्क्वाड के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यार ज्यादा तो मैं मतलब बातें नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ आपको जो यूज करना है क्लू करेक्टर। ठीक है, सबसे पहला करेक्टर आता है हमारा क्लू करेक्टर, जो कि हेल्प करेगा आपकी बंदों को डिटेक्ट करने में। अभी पर्सनली मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको मैं बता दूं, बहुत ही तगड़ा करेक्टर है। जब मैं अपनी स्क्वाड वगैरह के साथ खेलता हूं तब तो भाई बहुत ही ज्यादा हेल्प आता है। ठीक है, बस एक बंदा क्लू लेके खेल लो, बाकी सबकी लोकेशन पता चल जाएगी, आप उनको जाके मार सकते हो, इसलिए क्लू बहुत ही तगड़ा करेक्टर है। सेकंड करेक्टर जो है अपना आयरिस करेक्टर। अब भाई आयरिस का नाम सुनकर आप लोग थोड़ा सा शॉक हो गए होंगे। आयरिस क्या करेगी ना, जब किसी बंदे ने अपने आपको पैक कर लिया होगा या फिर वॉल के पीछे होगा, वो उस बंदे को डैमेज दे देगी। तो भाई आयरिस ना बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करेक्टर है, एक बारी यूज करके देखो सारी की सारी करेक्टर कॉम्बिनेशन जो मैंने लास्ट के दो करेक्टर बताए, वो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई वो कैसे वर्क करते हैं और उनके ऊपर क्या डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊं यूज करके। हालांकि मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसलिए मैंने आपको जस्ट करेक्टर बताया, कॉम्बिनेशन नहीं बताया इनका। और जो स्टार्टिंग के तीन करेक्टर कॉम्बिनेशन बताए थे वो मैंने खुद यूज करे ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए, आप लोग भी उन करेक्टर का यूज कर सकते हो रैंडम प्लेयर के साथ भी और अपने टीममेट्स के साथ भी। ठीक है, तो ये करेक्टर कॉम्बिनेशन यार आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी अगली खतरनाक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब अगर आप लोगों को रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुशिंग करनी सीखनी है कि मैं कैसे रैंडम प्लेयर के साथ गेम खेल के रैंक पुशिंग करता हूं, तो आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। इसके अंदर मैंने डेडिकेटेडली आपको बता रखा है रैंडम प्लेयर के साथ खेल के कि आप लोग क्या क्या गलती करते हो और कैसे कैसे आपको रैंक पुशिंग करनी है रैंडम प्लेयर के साथ। मैं मिलता हूं आपसे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।